मुरादाबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं लगातार मरीज ठीक होकर अपने घरों को भी पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर में जो आकाश रेजिडेंसी कॉलोनी है, वहां पर एक बैंक कर्मी सुदीप श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को सील भी कर दिया गया था। काफ़ी परेशानी कॉलोनी वासियों को भी देखने को मिली थी और सभी लोग इस आशा में थे कि सुदीप जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर को आएँ और सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, जिसके बाद कई दिन के बाद अब वो इलाज के दौरान उनको निगेटिव पाया गया है और वो अपने घर को वापस आए तो सभी कॉलोनी वासियों ने फूलों की वर्षा के साथ साथ तालियाँ बजाकर उनकी हौसला की। टीका लगाकर पत्नी ने उनका अभिवादन किया और वो स्वस्थ होकर घर लौटे तो सभी लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। कॉलोनी के जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष जो हैं शोभित, उन्होंने सभी को बधाई दी है और ये इस बात की सराहना की है जो जिला प्रशासन द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। सभी लोगों का ये कहना है कि उनकी जो उनकी सोसाइटी में जो रहते हैं सुदीप, उनसे उनकी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई थी वो बहुत दुरुस्त थी और उनकी व्यवस्थाओं के चलते आज वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष शोभित गुप्ता का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता फैले और इस कोरोना महामारी के चलते जो सावधानियाँ हैं वो बरतें लोग, और इस सावधानी के बरतने के साथ साथ जिला प्रशासन और सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। सोसाइटी के सभी लोगों ने सुदीप श्रीवास्तव का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और फूल की वर्षा के साथ उनका अभिवादन भी किया। सभी लोगों का ये कहना है कि आज हमारे सोसाइटी के सदस्य स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, आज हमें बड़ी खुशी है कि हम एक कोरोना की जंग जीत चुके हैं। साथ ही अब जिला प्रशासन ने उन्हें 14 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और कल सभी कॉलोनी वासियों से अपील की गई है कि वह सुरक्षा का ख्याल रखें। सोसाइटी के अध्यक्ष ने सभी से सहयोग की अपील भी की है। अपने सहयोगी मोहम्मद दानिश के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।